डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने शनिवार को सुरक्षा बलों के लिए 3000 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। इस प्रक्रिया के तहत भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के लिए 2 जंगी जहाज खरीदे जाएंगे। साथ ही भारतीय थल सेना के लिए टैंक अर्जुन के लिए आर्म्ड रिकवरी व्हीकल खरीदे जाने हैं। डीएसी की इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने की। गौरतलब है कि अक्टूबर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के दौरान इस रक्षा खरीद पर सहमति बनी थी। अब डीएसी ने भी इस पर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जल्द ही रक्षा खरीद की ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए जिन जंगी जहाजों की खरीद होनी है, उनका निर्माण रूस में किया जाएगा। इस जंगी जहाजों पर ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की जाएंगी। इस तैनाती के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। आपको बता दें कि चीन जिस तरह से हिंद महासागर में शातिर तरीके से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारतीय नौसेना को भी अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है और ताजा रक्षा खरीद चीन की चालबाजियों को जवाब देने के लिए काफी है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइलें एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका भारतीय सेना में सफल परीक्षण किया जा चुका है। साथ ही इस बैठक के दौरान अर्जुन टैंक के लिए ARV खरीदने का भी फैसला किया गया है। ये ARV डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है और इसका निर्माण सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने किया है। इस ARV की मदद से लड़ाई के दौरान तेजी से रिकवरी करने और टैंकों को युद्ध स्थल पर पहुंचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे और सुरक्षा बलों को आधुनिक करने के लिए मोदी सरकार तेजी से खरीद प्रक्रियाओं को मंजूरी दे रही है। हाल ही में भारत सरकार ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की भी डील की है। साथ ही भारत अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद भी कर रहा है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफॉर्म की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियारों का आयात करने वाला नंबर 1 देश बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।